आपका सिमरन भी करते हैं। भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते कि राजा मनो सानू किस तरह याद किया और रखा असी आ गए। कहते महाराज मेरे मन की एक लालसा थी, मेरे मन का एक प्यार सी कि मैं प्रभु के दर्शन करा। आज दर्शन करके मेरा जीवन कंथा हो गया। कहते मामला की चाहिए ये रब तुहाडे सामने आवे तो तुहाडे कोल किन्नी पावर आ गई। कहते प्रभु ने कुछ नहीं चाहिए, मैं तो दर्शन करके जीवन कंथा कर गया। बिल्कुल गलत। क्या के बंदे ने करे पाके, बंदे ने करे तपस्या, वो व्यर्थ नहीं जाती है। इसका दूसरा पहलू क्या होगा? बाबा साहब तुसी किसी का काम सवार दिता है, बंदा कृत धन हो गया है, तो आगे हाजरी चित्र दूसरे घर चला। शास्त्र भी कहता है लोकना कोलो लुकाना में फिर रब कोलो लुकावेगा कि जेड़ा हर जगह से छुपया है ते उसको छुपा नहीं पाए। बुजुर्ग भारत चुनी लाल जी कहा कि पंडित जी महिंदा जी का फोन भी आया है, उनके शहर जाने के लिए काम पर है, टैंक निकाल कर पहुंच जाएंगे। पहली बात यही कर रहा था आप उनके शहर जाने भगत महिंदर पाल जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और भी शहर के गणमान्य सारे सदस्य, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारे व्यापारिक संस्थाओं से और जितने भी आज सज्जन यहाँ पर पहुंचे हैं, बोलने को तो बहुत सज्जन है लेकिन वर्मा साहब जी, बबर साहब जी ने कहा है पंडित जी हमारे भाटिया जी जो ईमानदारी धर्म कर्म के द्वारा मैंने एक बार देखी है, खुशी में जाओ या ना जाओ हर दुख में भगत जी भी, बिंदल जी भी, भाटिया जी भी आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो मैं भाटिया जी से कहूँगा कि परिवार के साथ संवेदना प्रकट करें। चंडीगढ़ जाना था, मैंने कहेगा पंडित जी जब आप समाप्त करेंगे मैं तभी जाऊँगा क्योंकि मेरा परिवार है। आप सभी का आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें। मैं निवेदन करूँगा महापुरुषों के वचन है राम गयो रावण गयो जग का प्रभु परिवार कौन नानक ते कछ नहीं सपने जो संसार। संसार के अंदर पीर पैगंबर ऋषि मुनि योगी तपस्वी महापुरुष भी आ गए, वो भी एक दिन चले गए और ऐसे ही हमने भी एक दिन जाना है। ज्यादा जाने में अंतर है, एक विमानों पे बैठे जाते हैं, जीवन से जुटी जाती है। पापा जी तो देखो शवों में ही विमानों पे बैठ करके चले गए। ये नाम की कमाई की खासियत है गुरु को, कहते हैं कि 1 लाख को 1.25 लाख नाती इस रावण का दिया न बनती। रावण में कितना बड़ा परिवार था मगर दिया बाकी करने वाला भी नहीं था। कहते हैं कि लंका गढ़ सोने का क्या मूर्ख रावण क्या ले गया। महापुरुषों ने ग्रंथों के अंदर
रावण को पूरन का दर्जा दिया है। क्यों? कि सोने की लंका थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर सच्चे नाम की दाद उसके पास नहीं थी। मगर बड़ा जी के पास तो वो सच्चे नाम की दाद थी। रावण के अंदर बड़े अंदरूनी तौर पर खुशी खुशी से मालिक के चरणों में गए हैं, क्योंकि परिवार वालों ने बड़ी जी जान से अपने माता पिता की सेवा की और बड़ी ही रिस्पेक्ट अपने माता पिता से करते थे। सो उनको बड़ों का जो आशीर्वाद रहता है वो सब कुछ ही पा जाता है। कहते हैं माता पिता की जिसने सेवा कर ली सब जो किसने भगवान को खुश कर दिया। मालिक के आगे यही प्रार्थना है कि परिवार को अपना शांति प्रदान करें और कृपा का हाथ अपना आशीर्वाद परिवार के साथ रखें और नाम की कमाई करते हुए अपने जीवन को बसर करें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज की जय। मोदी सरकार जो धार्मिक शख्सियत जिन्हों को असं सारे आशीर्वाद लेते अपना जीवन बसर कर रहे हाँ, सरकार जो बैल जी और अच्छे जो भी सरकार जो बुजुर्ग श्री बसवी राम जी जिन्हों ने मीटिंग लाभ असं परिवारक मैंबर बन के उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट कर रहे हाँ। शास्त्र में लिखा है बुद्धि का टीका को भेट करा और इस बुद्धि के मैदान को कोई मिटा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। मोर एक गल सही है पर कुछ रूह अजिंह होंगे हैं जो जीरो जी समाज का भला करके रहियां हैं। बोल सरकार जो स्वामी भाई जी अज असी सारे उस महान शख्सियत श्री बसवी राम जी की अंतिम अरदास में शामिल हो गया है। क्योंकि पंडित जी बहुत ही विस्तार में सब दस रहे जिंदगी के बारे कि आदमी तो दुनिया का की फर्क बनता है ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से। दुनिया के कोई भी इंसान ना अपनी मर्जी ना आता है और ना ही जाता है। ये सब परमपिता परमात्मा का खेल है। जब जब इंसान की स्वासा की पूरी खत्म होती है तो चला जाता है, पर असल के बीच जो इंसान समाज में कुछ दे के जाते हैं उन्होंने दुनिया हमेशा याद करती है। तो इनका ही परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। असं सारे ही जानते हैं कि दुख बढ़ाया घटता है, खुशी बढ़ाया होती है। सो इस करके सारे का बहुत बहुत धन्यवाद और नाल में जो कामना करिए लगे मैं जो जिस गाड़ी पर वो गाड़ी खाली करें बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा का
ਚੁੱਕਾ ਮੇਰਾ ਅੰਮੀ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਬਾਅਦ ਚੁੱਲ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਵਾਗਤ
ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਹੈ ਸੁਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਸਵਾਂ ਖੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਨੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੰਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਏ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲੈ ਜੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਕੰਥਾ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਕਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਪਾਪੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਤ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਿੱਤਰ ਮੁਕਤ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਨਾ ਵੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਵੇਗਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਸ਼ਰਮਨ ਏਵਮ ਸ਼ਰਮੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਤ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚੁਕਾ ਦਿਆ ਬਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋ ਬਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਕੋ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋ ਨੌ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਛੱਡੋ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰਾ ਕਕੇਨੀ ਕੋ ਨਾਮ ਹਟਾਤੀ ਤੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਭੀ ਬਨਵਾਸ ਨਾ ਹੋਤਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ ਨਾ ਹੋਤਾ ਰਾਵਣ ਮੇਘਨਾਥ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਤਾ ਅਗਰ ਭਵਿਸ਼ਣ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨੇ ਦੱਸੋ ਆਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਕੇ ਆਗੇ ਤਦਬੀਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਪਥਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨੇ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰ ਜਾ
की। माले को पूछिया बाला के नहीं मर जावा गुरु महाराज कहते तो उस तो ही ज्यादा सियानी गल की। शास्त्र कहता है कि आज तक इसका दूसरा पहलू है। शास्त्र कहते हैं शब्द गुरु है या गुरु है, शब्द है गुरु। गु मैंने अंधेरा, गु मैंने प्रकाश। यदि वो गुण ले लिया तो सीख लिया। ये स्वर्ग गुण आ गया, प्रकाश अंदरों को सूर्य जैसे दीपक भी बैठी होती है। अर्थात जबकि दीपक लाइट देता है, दीपक के थले अंधेरा होता है। क्या कहें इन लोगों की कि बच्चा चार पैसे कमा ले, शौहरत कमा ले, पिता जी को बैठी हुई कमाएंगे कि शब्द लिख है हाय परिवार ने सपुत्र बैठे साढ़े को सत पाल जी विजय कुमार जी आशा विजय लक्ष्मी दोनों नायक परमात्मा की अपरंपरा बालकी पर परिवार के दमाद बैठे तिलक राज की बेटी शीला हुक्म होया बब्बर परिवार का क्या कि पंडित जी साडे माता जी बैठे आ हाथी मालकन प्रकाश बंती का नाम है वैसे दानी बंती क्या कि साडे पिता बस्ती नाम की संसार की यात्रा को संपूर्ण करके पंडित जी चले गए। पूछा होया कि है या कि साइलेंस अटैक हो आज भी एक दसो पिता जी आज स्वर्गवास हुए उन्होंने नाम कल भी बड़ी अच्छी दसी क्या पंडित जी साडे भाई धर्मपाल के जेड़ा कि कुछ समय पहले संसार को छड़ के चले गए इस वक्त मां बाप के सामने तुसी एक दसो जवान बच्चा चला जावे तो मां बाप का जीना जीना होता है ਉਦੋਂ ਸੁਖ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਬਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਬਹੁ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਪੋਤੇ ਪਰ ਪੋਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਜਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਏਕਾ ਮਾਏ ਜੋਦ ਵਿਆਏ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਪਾ। ਏਕਾ ਮਾਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕਿਹਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਣ ਵੱਲ ਠੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਲੇ ਮਿੱਟੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰਮ ਨਾਸ਼ਮ ਮਾਨਮ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਅਜਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਭ ਯਾਤਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਚੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਚੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਚੀ ਆਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਬਾਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿ ਨਾਨਕ ਉਸੇ ਵੀ ਸੱਚ ਮਾਨਕ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਾਚੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਜੀ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਮੁਖਮ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈ ਨਿਕਲਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਬ ਯਾਤਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਬਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੋਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਚੌਥੇ ਵੱਲ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਲੀਆਂ ਅਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸ਼ਤੀਆਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਵਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਗੇਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੋ ਕੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਅਸ਼ਤੀਆਂ ਕੋ ਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਕੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਮਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ,
सारे कुर्माचार उस परम पिता परमात्मा ने के अरदास कर मरिया
ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਜੁਗੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਜਣੋ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਵਰਗੀ ਲਾਲਾ ਬਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪੱਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਾਰ ਕਵੀ ਦਾ ਸਾਸਾ ਸੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਭਗਤ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਾਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਬ੍ਰਹਮ ਪਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਣੀ ਮਾਈ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੇ ਵਚਨ ਹੈ ਰਾਮ ਗਯੋ ਰਾਵਣ ਗਯੋ ਜਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਨਾ ਲਖਤੇ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸਪਨੇ ਜੂ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਗੰਬਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਯੋਗੀ ਤਪਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਵੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹਮਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਜਾਣੇ ਮੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਏਕ ਵਿਮਾਨੋ ਪੇ ਬੈਠੀ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੇ ਜੁੜੀ ਰਹਤੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮ ਮੇ ਹੀ ਵਿਮਾਨੋ ਪੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕੋ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਇਸ ਰਾਵਣ ਗਲ ਦਿਆ ਨਾ ਬਣਤੀ। ਰਾਵਣ ਮੇ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾ ਮਗਰ ਦਿਆ ਬਾਕੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਾਵਣ ਕੋ ਮੂਰਖ ਕਾ ਦਰਜਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਕੀ ਲੰਕਾ ਥੀ ਨਾ ਤੋ ਵਹ ਮਰਕੀਅਤ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਮਗਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਾਤ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਮਗਰ ਬੜਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਤੋ ਵੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਾਤ ਥੀ ਵੋ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤੀ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਮੇ ਗਏ ਸੁਬੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਮਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਤੋਖਤਾ ਔਰ ਐਸੀ ਰੂਹੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਕਹਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਕਰ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਮੇਂ ਜਬ ਐਸੀ ਰੂਹੇ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕਹਤੇ ਜਿਤਨੀ ਨਾਮ ਕੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਜਰੇ ਕੀ ਕੀ ਚੁੱਕੀ। ਐਸੀ ਰੂਹੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੋਸਤੋ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਖੁਦ ਵਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੇ ਲਿਏ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਐਸੀ ਰੂਹੇ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਜਨਮ ਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਮੇਂ ਵੀ ਯਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਤੇ ਹੈ। तो उनको संसार में आने का लाभ ही ऐसे रूपे ही देती है। महापुरुषों की दरगाह पर भी खुशी उनको होती है। श्री गुरु महाराज जी ने एक दफा वचन सुनाए कि उनको जैसे संसार की
की अदालत होती है ना, उसके अंदर जो किसी का केस चल रहा होता है, अगर कोई काम ऐसा होता है तो जज के आगे पेशी होती है, तो उसके साथ उसकी गवाही भी होती है। ऐसे ही आप में जो दरबार में लगी हुई है, नाम की अगर कमाई करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो मालिक की दरगाह में भी गवाही देनी पड़ेगी। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उनको हमारा भी यश होगा, अगर नहीं करोगे तो वहां पर हमारा भी अपमान होगा। संसार के अंदर आए हैं तो वो काम करके जाओ, कौन सा जो बोले जी करके गए। कहते जो संसार आठ बलिए की सब लग सोते आया, उन्मुख माल चोगना की ना मानो समय हुआ। ये संसार एक बाजार है, इस बाजार के अंदर सत और असत का सौदा होता है। जो गुरु जन होते हैं असत वस्तु के साथ साथ सत वस्तु की भी खरीद करते हैं। जैसे कहते हैं कि एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने ये आखिर में आपस में सलाह की कि मेरे बाद गद्दी पे कौन बैठेगा। उन्होंने कहा कि बच्ची डालेंगे, जिसका भी नाम आएगा, जो भी शख्स आए उसकी पर्ची डाली जाएगी, उसको गद्दी पे बिठाया जाएगा। ऐसे जब भी राजा आता बनने के लिए, इसको की पर्ची डाली जाती, जिसकी पर्ची निकलती 5 साल के बाद वो जंगल में इसको छोड़ दिया जाता था। ऐसे ही कई राजा आए, 5 साल अपना राज करते थे, फिर वो जंगल में शेरों के शिकार बन जाते। एक संत से भी आया, जब वो राजा की गद्दी पर बैठा, उसने पहले साल के अंदर आकर के जो भी जरा जंगल था उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके आवाज करा दिए। दूसरे साल के अंदर उसने बड़े बड़े सुंदर से मकान बना दिए, और रहने के लिए तीसरे साल में ऐसा सिलसिला बना दिया कि बाजार बन गए, मार्केट बन गई, और लोग वहां पर रहने लगे। 5 साल के बाद जब उसकी बारी आई जाने की, खुशी खुशी अपने घर में चल जाने लगा जंगल में। तो बाकी लोग सोचते कि जो भी राजा 5 साल के बाद गद्दी से जंगल में जाने लगता है तो रोता चलाता है, दुखी परेशान होता है, मगर ये राजा तो बड़ी खुशी से जा रहा है, क्या बात है। जब उनको छोड़ने के लिए गए तो राजा ने 5 साल के अंदर किसी को इस बात का खबर तक ना दी। जब वो पड़ता आया तो क्या देखा, वहां पर तो बड़ी चैन पहन है और आगे लोग खड़े हुए उनके राजा के स्वागत के लिए खड़े हैं, फूल लेकर के खड़े हैं, हार लेकर के खड़े हैं, राजा के लिए बैंड बाजे बज रहे हैं। सभी देखकर के हैरान हो गए कि ये इतना जो सिलसिला बना है कैसे बन गया। मगर ये नहीं पता था कि राजा ने अपने अंदर ही अंदर से सारा काम कर दिया। तो कहने लगे ये राजा तो बहुत समझदार है कि इसने इस लोक के अंदर रह करके देखो और लोग का भी अपना सारा काम कर दिया। उसको आप परलोक में जाने की कोई चिंता नहीं। ऐसे इनको वो खुशी खुशी जब अपने घर जाने लगा तो सभी कहने लगे नहीं, आज से बस यही राजा नाच करेगा क्योंकि ये बड़ा समय का है। मगर ये युक्ति किसे मिली, संत महापुरुषों की चरणों से आकर के। ऐसे युक्त को जो संत महापुरुषों के चरणों में आता है, नाम की कमाई की युक्ति सीखता है, संसार के जीने की कला सीखता है, तो वो उसी कला के अनुसार ही जीवन बसर करता है, तो संसार में सुखी रहता है। कहते हैं गुरु मत सुखिया मन मत दुखिया, ये अटल राज है। गुरु को सुखी क्यों है, इसलिए सुखी है क्योंकि वो महापुरुषों के बताए वचनों पर चलते हैं कि बेटा बोले नीर चले हाथों भी कुछ दे रब बिना नीर भूखली बात क्या। अच्छे कर्म करोगे तो गुरु को इस लोक में भी यश होगा, जैसे कि भगत जी का आज सब पुरवार कर रहे हैं, ऐसे ही परलोक में भी महापुरुषों की प्रसन्नता होगी।
इसलिए हमारा ध्वज बनता है कि अनमोल्य मनुष्य जन्म लाया, इसे नाम की कमाई करके सिमरन करके अपने समय का पूरा पूरा लाभ उठा कर महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी। गुरु जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, नाम जप के जन्म सुतार जी, नाम सुतार जी विराजमान है। हमारे अजीज
उल्लंघन और विजय सांपला जी की तरफ से भी शोक पत्र लेकर के ऐसा आया है। मैंने पहले भी कहा है कि वर्मा साहब से बात हो रही थी कि हमारे बुजुर्ग भारत चुनी लाल जी कहा कि पंडित जी महिंदा जी का फोन भी आया है, उनके शहर जाने के लिए काम पर हैं, टैंक निकाल कर पहुंच जाएंगे। पहले बात यही कर रहा था आप उनके शहर जाने भगत महिंदर पाल जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और भी शहर के गणमान्य सारे सदस्य, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारे व्यापारिक संस्थाओं से और जितने भी आज सज्जन यहाँ पर पहुंचे हैं, बोलने को तो बहुत सज्जन है लेकिन वर्मा साहब जी, बबर साहब जी ने कहा है, पंडित जी हमारे भाटिया जी जो ईमानदारी धर्म कर्म के द्वारा मैंने एक बार देखी है, खुशी में जाओ या ना जाओ, हर दुख में भगत जी भी, बिंदल जी भी, भाटिया जी भी आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो मैं भाटिया जी से कहूंगा कि परिवार के साथ संवेदना प्रकट करें। चंडीगढ़ जाना था, मैंने कहते का पंडित जी जब आप समाप्त करेंगे मैं तभी जाऊंगा क्योंकि मेरा परिवार है, आप सभी का आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें। मैं निवेदन करूंगा भाटिया जी मोदी सरकार जो धार्मिक शक्ति है जिन्हों को अभी सारे आशीर्वाद लेते अपना जीवन बस करे हाँ सरकार जो गई जी और अब साढ़े सरकार जो बुजुर्ग श्री फसी राम जी जिन्हों ने विभिन्न लाभ असं परिवारक मैंबर बन के उन्होंने श्रद्धा के फूल भेट कर रहे हाँ। शास्त्र में लिखा है विधि का टीका को भेट कर रहा है, उस विधि के मैदान को कोई मिला नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, मूल एक अटल सच्चाई है। पर कुछ रूह अजी होती हैं जो जीवन की समाज का भला करके रही हैं, समाज के विचरते हैं, लोग भलाई के काम समाज सेवा और उस बाद समाज में प्रफुल्लित फरवाई लेके श्री सातपा जी और श्री विजय कुमार जी के रूप के अजी फरवाई समाज में देकर गए क्योंकि यह सारा परिवार मेरा अपना परिवार है। इस परिवार के ही मैंबर ब्रह्माचारी श्री अश्विनी वर्मा जी जो मेरे बड़े भरा भी हैं और विजय बाबू जी की बेटी जो सारी नौ है रोहन जी में से यह सारा परिवार मेरा अपना परिवार है और इस परिवार में निशान की राशि कर्मा समाजिक कर्मा धार्मिक कर्मा के सब तो अपनी उठने सेवा की गई है। यह सारा परिवार निशान की समाज की सेवा को करता गया है। आज सारे बाबू जी श्री बस्ती राम जी नहीं रहे पर मैं समझ रहा हूँ याद के सारे जी परिवार ग्रुप के बैठे हाँ वक् वक् समाजिक धार्मिक राजसी शक्ति के इतने बैठे हाँ उस सरकार में श्री महेंद्र भगत जी जो कैबिनेट मंत्री पंजाब भगत सुंदर लाल जी एस जिन्होंने बैठे हैं और हमेशा समाजिक धार्मिक तत्पर रहते हैं वो इतने बैठे हैं बोले छोटे भी राजू मुदान जो भारतीय जनता पार्टी के सेवा कर रही है और परिवार मैंबर है मैडम सुमन जी
पर ये सुरान की पार्टी को समाज में एक बहुत बड़ी खेल है। तो मैं महसूस कर रहे हैं कि अगर आज जिन्हें मैंने तापन तोड़ते राशि तोड़ते समाज तोड़ते बहुत सारी एसोसिएशन में इतने बढ़िया हैं बहुत सरकार और सभी शॉपकीपर एसोसिएशन में क्योंकि मैं था विजय भाव जी और मेरे भाभी जो मैं बाजार में दुकान करता होता सी तब मैं उन्होंने ही ब्रह्मा जी उस प्रभाता में था और सभी शॉपकीपर एसोसिएशन में सारे ही बोलते थे जवाब श्री किशन और कंपनी पापड़ों को बारे करते हैं सीनियर मेन प्रधान शायद शासन दुआ जी नेत्र पाल नेता जी सड़े वीर चौहान साहब और बाकी सारे सचिता और एक बार जी बैठे हैं मेरे वीर लोटा जी रामदेव जी ये सारे जो भी तुम्हारे मैं बैठा हूँ और मैं देख रहे हैं श्री अश्विनी वर्मा जी ये दरबार में मेरे सेंसर के बस बदल जनरल सेक्रेटरी सेवा कर रहे हैं और मैं समझ रहा कि ये सारे ही तालमेल बातचीत के बीच चंद्रमणि चंद्रमणि और गुप्ता के बीच रहने की बहुत बड़ी सेवा है बहुत तालमेल बातचीत के बीच जितने भी मेरी हो रहे अश्विनी वर्मा जी सबका बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं दूसरी मेरे बीच साढ़े बहुत समय तालमेल शिक्षित का अलावा जो पढ़ी हुई शिक्षित के बीच बहुत सरकार जो श्री गोविंद मेहरू जी कौंसल साहब दुनिया हमेशा याद करती है और जान के बाद भी हमेशा समाज जुड़ा है।
इस बात का सबूत है कि जिस परिवार ने हमेशा ही सब नाल प्यार मिले उन्हें रिश्ते उसे प्यार भी पाया है। हमेशा माँ बाप कहता है कि जो साडा परिवार है प्रसिद्ध वह हमेशा मुसीबत आने पर माँ बाप की देखभाल में जिन्हें बच्चे ने अपने पिता जी की सारे परिवार ने बहुत सेवा की थी उन संस्कार लैके आज समाज में जिनका बहुत बड़ा रुतबा है सारा जो परिवार बहुत बड़ा परिवार है सतपाल जी विजय जी और सारे साथी सदे बीजेपी के वार्ड प्रधान भैन सुमन वर्मा जी अश्विनी वर्मा जी सदे ये सारा परिवार समाज की सेवा कर रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे उच्चे संस्कार देंगे ना ये समाज की बहुत बड़ी समाज में बहुत बड़ी देन होगी क्योंकि साढ़े जाने बाद अभी सारे ही जानते ना हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे बाकी रहेगी निशानी। ये जो परिवार है ये साढ़े जानते बाद साढ़े रूप में समाज विचलता है अगर सच्चे संस्कार करवाएंगे तो वो समाज की सेवा करेगा ना माँ बाप का नाम भी रोशन करेगा। इस करके मैं ज्यादा नहीं कहता है अपने भी अपने पिताजी भी जो अपने परिवार में इस महान की विचरना के बीच श्रद्धा सुमन पेट करना और बाद में देखने हैं सारे राज्य कार्यक्रम अलग अलग सोसाइटी में अगवाए हैं इनका भी परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। असि सारे ही जानते हैं कि दुख बढ़ाया घटता है खुशी बढ़ाया घटती है तो इस करके सारे का बहुत बहुत धन्यवाद और नाल में लोग कामना करिए लगे मैं जो जिस गाड़ी पे वो गाड़ी खाली करें बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सदन धन्यवाद किया गुरश्री शोक प्रसाद सारे बुजुर्ग श्री बस्ती राम जी यादव राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार जी श्री विजय सांपला जी जिहड़े कैबिनेट मंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने वालों शोक प्रस्ताव आया है। साढ़े वीर प्रांति जी दूसरा उदी जी बैठे हैं होर सारी शख्सियतां मैं माफी चाहना बीके सहदेव जी उन्होंने वालों शोक प्रस्ताव आया है और होर अमित चावला जी बाकी जिन्हें भी सारे सज्जन आए हैं जिन्हों के नाम मैं माफी चाहना बहुत सारे इतनी बड़ी सभा के बहुत सारे नाम लै लेते हैं मैं परिवार वालों वर्मा परिवार वालों क्योंकि परिवार मैंबर हाँ और विजय बाबू जी सतपा जी वालों सारे का और साढ़े भारतीय जनता पार्टी के वार्ड प्रधान जो कि उस परिवार के ही बची है और उन्होंने वालों सारे का धन्यवाद करना कि तुम आपके दुख की घड़ी के साढ़े परिवार का क्योंकि मैं इस परिवार एक प्रभावित मैंबर हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਮਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੁਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮਗਰ ਮਿੰਦਰ ਜੀ एवं भाई जी सारी संगत जिला दुचारगढ़ी का सत्संग किया है अज उस बजुर्गों के निमित महाराज उन्होंने अपने चरणों में निवास स्थान देवे बाकी फिर उपरांत की कथा खाते में रखी सी अज उनका भोग अंत श्लोक भगवान कहते हैं कि माता पिता के मरने पर पुत्र को क्रिया कर्म किस प्रकार से करनी चाहिए उसका विस्तार पूर्वक मैंने 16 अध्यायों में तुमसे कह दिया है। जो नास्तिक भी इस पितृ कर्म को नहीं करते उनके घर का जल भी संध्या मंत्रा के तुल्य समझ करके हमारे पितृ को ग्रहण करते हैं पुत्र पोते प्रपोते सारे के सारे पितृ होते हैं लाखों रुपए का दान निष्फल हर प्रकार से फिर उपरांत की कामना को करो और यही अनुसार कर्म को करो भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हो जाता हूँ इसमें कोई संशय बात नहीं और भगवान ने की।
ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਭੈਣ